अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते होंगे कि 21st सेंचुरी इज सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, और इस सदी में इंफॉर्मेशन का इतना ज़्यादा फ्लो है कि सही और गलत इंफॉर्मेशन को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी सिलसिले में आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मीडिया पर एक ताला लगी कब्र की फोटो चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की फोटो है। पाकिस्तान के कब्रिस्तान में एक कब्र को ताला लगाया गया है और इसमें जो प्रोपोगंडा करने में इंडिया ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। और आज आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि इसकी हकीकत क्या है, ये कब्र कहां पे वाकया है और कब्र को ताला क्यों लगाया गया, उस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले ये बताता जाऊं कि पूरी दुनिया के मीडिया पर एक हफ्ता पहले एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें एक कब्रिस्तान में एक कब्र के ऊपर लोहे का जंगला लगाकर उसकी दीवारें सीमेंट के साथ बनाकर उसको ताला लगाया गया। और ये साथ कैप्शन लगाया गया, ये साथ तफसील दी गई कि ये पाकिस्तान के एक कब्रिस्तान की तस्वीर है जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी को दफन करने के बाद ताला लगा दिया है ताकि ये जिनसी दरिंदों से महफूज रहे। और ये पाकिस्तान को बदनाम किया गया कि यहाँ पर कोई औरत जब फोत भी हो जाती है तो वो महफूज नहीं होती, जिस पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को लानोतान किया, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इनसिक्योरिटीज पर बात की और पाकिस्तानी लोगों की वल्नरेबिलिटीज को डिस्कस किया गया। और इसमें सबसे जो सफाई अव्वल पे सबसे प्रोपोगंडा करने में एक्टिव थे वो इंडियन मीडिया था, और इंडियन मीडिया ने इस खबर को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, इतना ज़्यादा फैलाया, वो टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर NIT और उनका जो डेली न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। और जिस वक्त गूगल मैप से इसको सर्च किया गया, इस तस्वीर को वेरीफाई किया गया, तो पता चला कि ये तस्वीर पाकिस्तान की नहीं, ये तस्वीर इंडिया के जो सूबा हैदराबाद है वहाँ पर एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान की है। उसका एड्रेस मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, ये स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। तो ये इंडियन हैदराबाद के एक कब्रिस्तान की तस्वीर है जहां पर एक शख्स ने आप कब्रिस्तान में एक कब्र के ऊपर लोहे का जंगला लगाकर उसको ताला लगा दिया गया। और इसके साथ आखिर में ये एक इंटरेस्टिंग चीज भी आपके साथ शेयर करूं कि इसमें कोई ऐसा जिनसी दरिंदगी का केस नहीं है, इनसिक्योरिटीज नहीं है, बल्कि जो खानदान है उसने एक कब्र पर ताला इसलिए लगा दिया गया है कि ताकि ये खाली कब्र है, इस पर इस जगह पर कोई और बंदा अपने जो डेड बॉडीज है उसको दफना ना जाए। तो लोगों ने अपनी कब्र जिस तरह होती है सेफ एंड सिक्योर या उसको रिजर्व किया होता है, ये रिजर्व कब्र है, और वो लोग जो होते हैं वो अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी रिजर्व जगह रख देते हैं और वहां पर रूटीन में आके तलावत करते हैं, रूटीन में आके वहां पर इबादत का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर वो जो आप कह सकते हैं कि मौत को याद करने के लिए उन्होंने ये एक्शन किया हुआ है। इसलिए जिस वक्त प्रोपोगंडा किया गया तो पाकिस्तान की बदनामी थी, लेकिन जब हकीकत का पता चला तो पता चला कि इसमें कोई भी ऐसे ही खौफो हरास वाला मामला नहीं था, इसमें जिनसी दरिंदगी वाला मसला नहीं था, इसमें माशर्ती जो आप कह सकते हैं ना कि वल्नरेबिलिटीज जो है वो उसका कोई खतरा नहीं है। इसलिए ये सदी में जब इंफॉर्मेशन आती है तो हमें उसी तरह उसको फ्लो करने की बजाय उसको वेरीफाई करना होगा, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी होगी, उस पे दलाइल देने होंगे ताकि हकीकत के पास जाए। और जब हकीकत का पता चले तो यकीनन हर बंदा ईजी हो जाता है कि ना ही ये पाकिस्तान की तस्वीर है, ना ही हवातीन इतनी इनसिक्योर है, बल्कि इसका एक बड़ा एक डिफरेंट पहलू जो है वो हकीकत थी। इसलिए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो उसको स्प्रेड करने से पहले वेरीफाई करना चाहिए ताकि इससे सोसाइटल स्टेबिलिटी और लोगों का जो आप कह सकते हैं अग्रेशन और डिप्रेशन वो कम हो सके।